हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के सेक्शन से अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज पे एक प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे आपको कुल मिला के दो सेट में प्रोवाइड करूँगा एक ही वीडियो में। एक तो आपका होगा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन और एक होगा न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चंस। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसी संभावना है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, आपके सामने इस तरह क्वेश्चन लिखा रहता है। अब इसमें आपको एक सीरीज प्रोवाइड की जाती है, ये पूरी सीरीज है। इसमें क्या रहेंगे, इसमें नंबर भी आपके सामने रहते हैं, लेटर्स भी रहते हैं और कुछ सिंबल्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरी सीरीज है, इसका कोई अर्थ वगैरह ऐसा नहीं रहता है। इसमें कोई आपको कुछ मीनिंगफुल डेफिनेशन वगैरह कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, ये ऐसे ही रहता है रैंडम। अब इसमें क्या है कि आपको केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना है। करना इसको बड़ा आसान है, इसमें कोई भी गुणा भाग ऐसे करने की जरूरत नहीं है। करना बड़ा इसको आसान है सॉल्व करना, बस आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो। क्वेश्चन इसके थोड़ा लंबे लंबे लिखे रहते हैं, तो कई बार होता है कि जब आप पढ़ते हैं और आखिरी तक पहुंचते हैं तो ये भूल जाते हैं क्या बातें पूछी जा रही हैं। और कुछ चीज़ें इसमें बहुत ही माइन्यूटली आपको ध्यान देनी पड़ती है, अगर आप उनको ध्यान नहीं देते हैं और अपने मन से चीज़ों को समझते हैं तो गलत आंसर पर टिक करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, लिखा हुआ इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट। तो ध्यान से पढ़िए इसको कि अगर इस पूरे अरेंजमेंट में से सारे के सारे सिंबल्स को डिलीट कर दिया जाए, जब कुछ करने को कहे इफ लगा करके, तो उसको आपको हूबहू ऐसा मानना है। तो आपके लिए सारे सिंबल्स इसमें से डिलीट हो गए हैं, लेकिन केवल एक क्वेश्चन के लिए ही। ऐसा नहीं कहिएगा कि दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप कहिए पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि सारे डिलीट कर दिए गए, दूसरे क्वेश्चन में कैसे आ गए। तो ऐसा नहीं है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक स्पेसिफिक उसमें डायरेक्शन दी जाएगी कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर वैसा हो तो क्या होगा। वो केवल उसी क्वेश्चन के लिए ही मान्य होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। समझिए यहाँ पे बात को। तो कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे सिंबल्स को डिलीट कर दिया जाए, तो कह रहे हैं कि उनमें से कौन सा 11th होगा, मतलब क्या पूछी जा रही पोजीशन और किस तरफ से। तो बताया जा रहा है लेफ्ट एंड से, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से एंड से पूछा जा रहा है। कई बार राइट एंड लिखा होता है लेकिन हमारे गिनने के आदत लेफ्ट से अगर पड़ गई है तो हम लेफ्ट से ही गिन के आंसर लगा देते हैं, और अगर वो ऑप्शन में मौजूद रहा तब तो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एंड समझिए, कौन से एंड से गिनना है 11वां, और वो क्या गिनना है, एलिमेंट। अब इस शब्द की क्या अहमियत है समझिए कि जब भी प्रयोग किया जाए इसमें एलिमेंट चीज को, कहा जाए एलिमेंट ये है एलिमेंट वो है, तो इसका मतलब वो नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है और सिंबल भी हो सकता है। तीनों के लिए एलिमेंट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर कभी स्पेसिफिक किया जाए, अगर यहीं पे पूछा जाता कि लेफ्ट एंड पे 11th कौन सा लेटर होता, तब उस केस में आप उसके बीच में आने वाले सारे सिंबल सारे नंबर्स को नहीं गिनते, फिर केवल लेटर्स को ही गिनते। लेकिन अगर एलिमेंट लिखा जाएगा तो आपको सबको गिनना है। और लेकिन यहाँ पे कंडीशन बता दिया गया है इस क्वेश्चन में क्या, कि इसमें सारे के सारे सिंबल्स को डिलीट कर दिया गया है, तो कौन सा एलिमेंट 11वां होगा। तो अब देखिए करना कितना आसान है। अब आप लेफ्ट एंड से अगर मैं इधर से गिनना शुरू करूँ, आपको 11वां एलिमेंट गिनना है बस। तो ये क्या हो गया, 1 2 3, ये क्या है सिंबल है तो इसको नहीं गिनना है। 4 5 6, फिर ये सिंबल है तो इसको नहीं गिनना है। 7 8 9 10 और ये आ गया 11। तो ये क्या आ गया, 1। ठीक है, एलिमेंट है तो एक हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 5वां वाला ऑप्शन सही हो गया। गिनने में अगर थोड़ा सा आपने चूक कर दिया तो यहाँ पे देखिए वाई भी है जिसके थोड़ा पहले है, एक 5 भी यहाँ पे है जो इससे एक अंक बाद है। तो ऐसे अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक किए गिनने में तो आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप टिक करेंगे और गलत आंसर के लिए आपको निगेटिव मार्क भी मिलेंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड द 6th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। देखिए क्या चीज़ें आपको समझनी है, अल्फ़ाबेट कहीं लिखा है कहीं पे एलिमेंट लिखा है, तो यही आपको बस पकड़ना है। लिखा हुआ है हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कह रहे हैं कि कितने अल्फ़ाबेट होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अनुसार और किसके किसके बीच में पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि बिटवीन द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, कहने की जो थर्ड एलिमेंट है फ्रॉम द लेफ्ट एंड उसको लीजिए अगर, तो आप देखेंगे थर्ड एलिमेंट कौन सा है लेफ्ट एंड से, तो 1 2 3, तो एलिमेंट की बात किया है तो यहाँ पे क्या आ गया है, एफ आ गया है, तो हम लिख लिए एफ। एंड द 6th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन एलिमेंट, कि 6th अल्फ़ाबेट है, केवल शब्दों का हेर फेर है,
अब आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज अगर ली जा रही है तो यहाँ पे चाहे एलिमेंट लिखे चाहे अल्फाबेट लिखे, वो अल्फाबेट ही आना है, तभी तो आप बता सकते हैं। अब अगर यहाँ पे स्टार हो जाता तब तो आप थोड़ी ना बता सकते कि उनके उनके बीच में कितने अल्फाबेट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट एंड से गिनिए, लेकिन गिनते समय बस आपको ये ध्यान रखना है ये जो लाइन लिखी गई है इसकी वजह से क्या होगा। लिखा हो सिक्स्थ अल्फाबेट फ्रॉम द राइट एंड, कि सिक्स्थ अल्फाबेट अब आपको देखना है राइट एंड से, मतलब एक दो इस इन दोनों को आप छोड़ देंगे क्योंकि अल्फाबेट नहीं है राइट एंड से, तीन चार फिर इसको छोड़ेंगे, ये पांच हुआ और ये छह हुआ, ये क्या गया एक्स, तो ये आ गया एक्स। अब बताइए एफ और एक्स के बीच में कितने लेटर्स होते हैं ये आपको बताना है अल्फाबेट मतलब इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अनुसार। तो आपको ऐसे ही समझ में आना चाहिए कि एफ की पोजीशन क्या होती है सिक्स, और एक्स की पोजीशन क्या होती है एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स की पोजीशन कितनी होती है 24। ठीक है, कितने इसमें होंगे तो आप घटा लीजिए तो आपको मिलेगा 18। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 10, 8, 4, 9 नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज, पांचवा वाला ऑप्शन इसमें से सही होगा। लेकिन जो लोग इसमें थोड़ी सी गलती क्या करेंगे कि सिक्स अल्फाबेट फ्रॉम द राइट एंड को ऐसे गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच और छः, तो उनके लिए एक्स नहीं बल्कि वहाँ पे वो एन और एफ के बीच में निकालेंगे नंबर्स कितने आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा गया है 6, एन के लिए पोजिशन क्या होती है वो होती है 14, और इनके बीच का गैप आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8। तो यहाँ पे जो 8 वाला ऑप्शन है दूसरा टिक करके आप आगे बढ़ेंगे, जो कि क्या है गलत ऑप्शन होगा और उसके लिए आपको नेगेटिव मार्क मिलेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको थोड़ा सा बस आपको ध्यान से पढ़ना है, कुछ इसमें लगाना आपके लिए नहीं है। अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो गलत आंसर करने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, कि चार इनमें से मतलब जो पांच ऑप्शन है उसमें से चार किसी ना किसी तरह एक तरीके से हैं, ऑन देयर पोजिशन इन द गिवन अरेंजमेंट एंड हैंस दे फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। मतलब आपको वही निकालना है ऑड वन आउट, कि चार तो किसी ना एक किसी तरह एक ही तरह से होंगे, एक होगा जिसका पैटर्न कुछ अलग होगा, वो कौन सा आपको निकालना है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या हैज डी ई, इस तरह के क्वेश्चन में आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं, आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा। तो हैज डी और ई, तो हैज कहाँ पे है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है, डी कहाँ पे है तो ये क्या है पीछे जा रहे हैं। ठीक है, कितने स्थान पीछे जा रहे हैं एक स्थान, फिर क्या हैज डी और उसके बाद ई, ई कहाँ पे है तो ई है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ डी से चलें तो डी से देखें तो आप कह सकते हैं एक दो तीन चार अंकों का यहाँ पे गैप है डी से प्लस चार, ऐसे देख सकते हैं। हैज से देखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दो अंकों का गैप है, ऐसे कह सकते हैं, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। ये एक अरेंजमेंट हुआ। दूसरा वाला देखते हैं स्टार थ्री और एस, स्टार यहाँ पे है थ्री एक का स्थान, वैसे ही देखिए फिर से आ गए क्या पीछे, फिर क्या है इस थ्री के बाद क्या आ रहा है एस आ रहा है, एस कहाँ पे है यहाँ पे, तो एक दो तीन चार यहाँ भी वही बन रहा है चार अंकों का गैप, मतलब थ्री से प्लस चार करेंगे तो हम एस पे पहुंच रहे हैं, या फिर स्टार से देखें तो यहाँ पे प्लस दो करेंगे तो भी एस पे पहुंच रहे हैं, मतलब इन दोनों में तो सेम ही मिल रहा है अरेंजमेंट, मतलब यही अरेंजमेंट चल रहा है। अब हमको देखना है ये अरेंजमेंट कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। एट द रेट वन और एम परसेंट, एट द रेट है हम पीछे आ गए यहाँ पे, फिर वन से एक दो तीन चार तो एम परसेंट पे पहुंच गए, ये वाला भी सही है। फिर क्या है एम परसेंट के और चार, तो एम परसेंट यहाँ पे है एक स्थान पीछे गए तो के मिल गया। ठीक है, के से हम एक दो तीन चार गए तो यहाँ पे चार पे वापस आ गए, चौथा वाला भी सेम पैटर्न पे है तो पांचवा वाला ही इसका सही ऑप्शन होगा, टिक करके आप आगे बढ़िए, मतलब ये ग्रुप में फॉर्म नहीं कर रहा होगा। फिर भी आप चेक कर लीजिए परसेंट, फिर क्या है एल, तो एक स्थान हम पीछे आ गए यहाँ पे एक स्थान का गैप दे दिया, लेकिन एल के बाद आप देखिए एक दो तीन चार, चार के बाद तो यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं ना, तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसको आप लिख सकते हैं, तो यही इसमें क्या है गड़बड़ी है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो हो रहा था उसमें जो भी पीछे एलिमेंट था उसके बीच में चार एलिमेंट का गैप था, लेकिन यहाँ पे चार एलिमेंट का गैप तो करेंगे लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है टी, मतलब एल से हम जा रहे हैं टी पे, तो यहाँ पे गैप केवल तीन एलिमेंट का बन रहा है जो कि गलत है, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको करना ही पड़ेगा सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शंस को चेक, पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही हो, और जब एक बार आप पैटर्न समझ लीजिए तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई अ लेटर एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल। समझिए बात को,
क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स, कह रहे हैं कि ऐसे कितने नंबर्स हैं इस ऊपर वाली सीरीज में, जो ऊपर अरेंजमेंट दिया गया है इसमें ऐसे कितने नंबर्स हैं। कह रहे हैं कैसे नंबर्स होने चाहिए, विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई अ लेटर। ये प्रिसीडेड और फॉलोड में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, एक बार अपना जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करिएगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ बीच में नंबर, ठीक है, लिख दिया नंबर। जब कहे प्रिसीडेड बाई अ लेटर, तो प्रिसीड का मतलब इस नंबर के पीछे की बात कर रहा है कि इसके पीछे क्या आना चाहिए, तो कह रहे हैं प्रिसीडेड बाई लेटर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर से पीछे आएगा लेटर, मतलब कोई ना कोई लेटर आएगा, एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल, मतलब ये नंबर किसको फॉलो करेगा, तो कह रहे हैं किसी ना किसी सिंबल को फॉलो कर रहा होगा। अब आपको समझना क्या है, इस तरह के पेयर आपको ढूंढने हैं जहाँ पे पहले लेटर हो, फिर नंबर हो, फिर सिंबल हो। तो हमको क्या करना है कि हम सारे नंबर्स पे ही ध्यान दें केवल, जैसे यहाँ पे क्या है थ्री है, तो थ्री से पीछे एक हमको लेटर तो मिला, लेकिन इसके बाद भी लेटर मिल रहा है, सिंबल नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर आगे बढ़िए नौ पे आइए, यहाँ भी वही कहानी, लेटर मिला लेकिन यहाँ भी लेटर मिल गया, सिंबल नहीं मिला, तो ये भी नहीं होगा। पाँच पे आते हैं तो पीछे हमको क्या मिल गया, नंबर मिल गया, लेटर की जगह पे क्या मिल गया, नंबर, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं चार पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे लेटर मिला लेकिन यहाँ भी लेटर मिल गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर आगे बढ़ें, यहाँ पे हमको क्या मिला, लेटर मिला, और यहाँ पे क्या मिला देखिए, सिंबल मिला। तो हमको एक पेयर ही मिल पाया जहाँ पे नंबर क्या है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए लेटर एंड फॉलोड बाय सिंबल। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा, ऐसे कितने पेयर्स हैं या फिर ऐसे कितने अरेंजमेंट हैं, तो हमको पता चलता है केवल एक, तो पहला वाला ऑप्शन है, इसका टिक करेंगे। और प्रिसीडेड और फॉलोड का जो कॉन्सेप्ट है इसी से आप समझ जाइए, और इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसका लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सिक्वेंस बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। कह रहे हैं कि अगर ये अरेंजमेंट दिया गया है तो इसके आधार पे आपको बताना है कि नेक्स्ट इसका सीक्वेंस क्या होगा, कौन सा सीक्वेंस आएगा अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा हो। तो हमको ये जो सीक्वेंस में लिखे गए यहाँ पे पेयर्स में नंबर और लेटर या फिर सिंबल्स हैं, उनको समझना होगा। अगर यहाँ पे लिखा गया है एफ डी और हैश, तो इसको समझिए कैसे लिखा गया है। एफ यहाँ पे है, फिर दो गैप है, फिर डी है, फिर एक गैप है, फिर क्या है, हैश है, ठीक है। उसके बाद क्या था, एस नाइन और वाई, फिर क्या रहा है, एस, फिर दो का गैप नाइन, फिर क्या है, एक का गैप, फिर क्या है, वाई। तो इस तरीके का कुछ क्रम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमको समझना है कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसके बाद ये कैसे लिखा गया, फिर ये कैसे लिखा गया, फिर ये कैसे लिखा गया, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो हम समझते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है एफ, उसके बाद क्या आया है यहाँ पे, एस। तो अगर आप ऐसे समझिए, यहाँ पे है एफ डी और हैश, और यहाँ पे है एस नाइन और वाई। तो अगर आप देखिए एफ और एस के बीच में कितने गैपिंग है, तो यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलता है प्लस थ्री का, मतलब एक दो तीन, और उसके बाद क्या आ गया है, एस। और इसी तरह अगर आप आगे बढ़ के देखें ई फाइव के, एस से मैं आगे बढ़ूँ तो एक दो तीन का फिर से गैप छोड़ूँ अगर मैं, तो यहाँ पे फिर से हम आ जाते हैं किस पे, ई पे। और उसके बाद ई के बाद देखिए दो का गैप है, फिर पाँच है, फिर एक का गैप है, फिर के है, वो तो सब में सेम ही है। तो हमको क्या समझ में आता है, इस तरीके से कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो अगर हम केवल फर्स्ट लेटर इसका समझ लें तो हमारे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अगर वैसा कुछ रिपीटेशन ना हो क्वेश्चन में। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से तीन का गैप छोड़ें तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा एट द रेट, जो कि यहाँ पे है। तो एट द रेट से हम तीन का गैप छोड़ें अगर, तो हम कहाँ पे पहुँचते हैं, तो हम पहुँच जाते हैं जी पे। देखिए अगर इसमें कहाँ पे जी है, तो दूसरे वाले पे जी है, और कहीं पे तो जी है नहीं, और नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन नहीं है, तो आप यहीं से इसको टिक कर सकते हैं। वैसे चेक भी कर लीजिए, जी के बाद दो का गैप है, फिर क्या है, एक्स है, फिर एक का गैप है, फिर क्या है, सेवन। तो एकदम सही अरेंजमेंट ये किया गया है। यहीं पे एक ऑप्शन और होता है, जैसे पांच वाला ऑप्शन छोड़ करके यहाँ पे होता कि जी एक्स और एन, तब आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि जी यहाँ भी है, जी यहाँ भी है, तो हमको देखना पड़ेगा कि जी के बाद दो का गैप है, फिर एक्स है, फिर यहाँ पे एक गैप होने के बाद सेवन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा है एन, तो पांच वाला ऑप्शन आप गलत काटते, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ये समझना नहीं है कि इनके बीच में क्या क्या हो रहा है, बल्कि आपको ये समझना है कि इस वाले जो अरेंजमेंट है, फिर सीक्वेंस है, इससे ये वाला जो अरेंजमेंट है वो कैसे हुआ है, उससे ये वाला अरेंजमेंट कैसे हुआ है, फिर दूसरा कैसे आगे बढ़ रहा है, मतलब एक के बाद एक कैसे आगे बढ़ रहा है। ये समझ गए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो ये तो था अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के पाँच प्रॉब्लम जो आपको समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो केवल नंबर सीरीज या फिर कह लीजिए न्यूमेरिकल सीरीज को लेकर के पूछे जाते हैं, और उनमें कैसे मैनिपुलेशन किया जाता है और क्या चीज़ें उनमें समझ नहीं रहती, वो देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर सीरीज या फिर न्यूमेरिकल सीरीज कह सकते हैं। इसमें केवल नंबर्स के पेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 948, 859, 234, 835 ऐसे लिखा गया। अब इस पर क्वेश्चन आप देखिए कैसे आते हैं। लिखा हुआ है इफ टू इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, कहेंगे जितने ऑड नंबर्स हैं। इसमें देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, केवल समझना है केवल क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, ये आप ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि अगर हम दो ऐड कर दें किसमें, सेकेंड डिजिट में, किसकी, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे 859 है तो इसके सेकेंड डिजिट में मतलब 5 पे 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 879 हो जाएगा। एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ द ऑल इवन नंबर्स, इन हाउ मैनी नंबर्स थस फॉर्म विल अ डिजिट अपीयर ट्वाइस। कह रहे हैं कि अगर ये काम हम करें इन सब में कि जो ऑड वाले नंबर्स हैं उनकी सेकेंड डिजिट में 2 ऐड कर दें और जो इवन वाले नंबर्स हैं उनकी थर्ड डिजिट में 3 घटा दें, और उसके बाद जो हमको नंबर्स मिलेंगे, आपको पूछा जा रहा है कि उसमें ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिसमें जो डिजिट होगी वो 2 बार आई होगी, लगातार आई हो ऐसा जरूरी नहीं है, 2 बार आई हो ऐसा जरूरी है, कितनी ऐसे डिजिट्स या फिर कितने ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 948 है, तो 948 क्या है, इवन नंबर है ये तो पता है, तो हमको क्या करना है, इसकी जो थर्ड डिजिट है इसमें से घटाना है 3। तो अगर 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 3 घटाने के बाद ये मिलेगा 945, तो इसमें कुछ रिपीट हुआ नहीं। फिर हम लेते हैं 859, 859 क्या है, ऑड नंबर है, तो जब ऑड है तो इसकी सेकेंड डिजिट से हमको क्या करना है, सेकेंड डिजिट में 2 ऐड करना है, तो प्लस 2 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 879, इसमें कुछ रिपीट हुआ नहीं। फिर हम देखते हैं 357, 357 भी क्या है, ऑड है, तो सेकेंड डिजिट में हम 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 377, इसमें क्या रिपीटेशन हुआ, हाँ 7 2 बार रिपीट हो गया, सही है। ऐसा जरूरी नहीं कि 7 या जो भी नंबर रिपीट हो लगातार आए, ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच में गैप हो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है 234 जो कि एक इवन नंबर है, इवन होने की वजह से इसके आखिरी में हम घटा देंगे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 घटाने के बाद ये हो जाएगा 231, इसमें कुछ रिपीट हुआ नहीं। फिर हम आते हैं 835 पे, 835 एक ऑड नंबर है, इसकी सेकंड डिजिट में 2 जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, 855, इसमें 5 2 बार रिपीट हो गया, तो ये भी आपका हो गया सही। तो ऐसे कितने पेयर हमको मिले, तो ये मिला 2 ऐसे नंबर मिले, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला, ओके 2, ओके। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को समझ के करना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, गलत पढ़ लिया तो गलत आंसर आने के पूरे चांसेस यहाँ पे रहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन काफ़ी लंबे चौड़े आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको करना है कि क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ना है और समझते हुए आगे बढ़ना है, वरना अगर आप एक क्वेश्चन को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ेंगे तो होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या पूछा जा रहा है और क्या बताया जा रहा है कंडीशंस, और उसके बाद जब आप समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन करना तो दूर की बात है, डर अलग से जाएंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर्स, तो पहले बात समझिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जितनी भी डिजिट्स हैं, ये नंबर जैसे देखिए तो 948 एक नंबर है, इसमें डिजिट्स क्या हैं, 9, 4 और 8, तो कह रहे हैं कि जितने नंबर्स हैं इनकी डिजिट्स को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, सबसे पहली बात तो यही है, विद इन द नंबर्स कहने का मतलब क्या है कि आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना है, कि कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे तो कहेंगे अच्छा नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले लिखेंगे 234 फिर लिखेंगे 357, तो ये आपको नहीं करना है, नंबर्स को नहीं असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बल्कि नंबर्स के अंदर की जो डिजिट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहला काम तो ये करना है। पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा कर दें तो पूछ कह रहे हैं What will be the sum of second and third digit of the third highest number thus formed? कह रहे हैं कि तब आपको बताना है कि ऐसा करने के बाद जो तीसरा सबसे हाईएस्ट नंबर बनेगा उसकी सेकेंड और थर्ड डिजिट का सम क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो हम करते हैं कि इनके जितने भी डिजिट्स हैं नंबर्स की उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन रहा है, उसको करने के बाद फिर उसमें जो तीसरा सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी तीसरी और दूसरी डिजिट को जोड़ना है। तो जैसे ये क्या लिखा गया है, 948 ये लिखा गया है, तो इसको हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, इसी तरह 859 है। अब देखिए ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हुए भी लाइन से ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया 4, 8, 9,
फिर ये क्या है, 859 लिखा गया है तो सबसे पहले आ जाएगा 5, फिर 8, फिर 9, फिर 357। तो देखिए अपने आप में असेंडिंग ऑर्डर में ही है तो इसको 357 ही रहने दीजिए। 234 भी असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको भी आप वैसे ही लिखेंगे। 835 में सबसे पहले हम लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 8, मतलब 358 हो गया। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला 589, दूसरा 489, तीसरा यहाँ पे 357 है और यहाँ पे 358 है, तो तीसरा सबसे बड़ा नंबर तो यही हुआ। अब आपको करना क्या है, सेकंड और थर्ड डिजिट का सम निकालना है। 5 और 8 का सम कितना होगा, 8 और 5 13। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पांचवा वाला। टिक करके आप आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए, जल्दीबाजी में अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो आंसर तो आप नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर इंटरचेंज्ड, समझिए कि जितने भी नंबर्स हैं उनकी फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को इंटरचेंज किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, 948 है तो 4 को हम आगे ले जाएंगे और 9 को 4 की जगह पे, ये इंटरचेंज हुआ। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द सेकेंड हाइएस्ट नंबर आफ्टर परफॉर्मिंग सेट ऑपरेशन, कि अगर ऐसा करते हैं तो इसको करने के बाद कौन सा सेकेंड हाइएस्ट नंबर बनेगा ये हमको बताना है। तो करके देखते हैं, 948 है तो आप 4 को 9 की जगह, 9 को 4 की जगह और इसको लिख देंगे 498। यहाँ भी वही काम करना है तो ये क्या आ जाएगा, 589। यहाँ भी वही करेंगे तो क्या आ जाएगा, 537। फिर क्या हो जाएगा, 324। फिर क्या हो जाएगा, 385। ये बन गया। अब सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, तो वो है ये 589। दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो ये हो गया 537। तो ये दूसरा सबसे बड़ा नंबर है तो कह रहे हैं कि यही वाला नंबर जो दूसरा सबसे बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन में आपको क्या देखना है, ऑप्शन में आपको 537 देखने को नहीं मिलेगा। जब इंटरचेंज आपने नहीं किया था वो कौन सा नंबर था इस सीरीज का, तो वो था 357। तो यही इसका सही ऑप्शन होगा, पांचवा वाला इसमें भी सही है, 357। टिक करके आप आगे बढ़िए। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन नंबर्स इज ग्रेटर देन द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेम नंबर। कहने का मतलब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट है ये थर्ड डिजिट है, कहने की इनका जो डिफरेंस है वो कितने ऐसे नंबर हैं जो सेकेंड डिजिट से अधिक है। सेकेंड डिजिट जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 है, तो कौन बड़ा है, सेकेंड डिजिट बड़ी है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें ये जो डिफरेंस है वो बड़ा है सेकेंड डिजिट से। क्वेश्चन समझ गए, तो अब आपको देखना है, जैसे यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा है, 1, और ये कितना है, 4। इसमें है क्या ऐसा, तो नहीं है। इसमें देखिए तो इसमें भी डिफरेंस कितना है, 1 है, और सेकंड डिजिट क्या है, 5 है, इसमें भी डिफरेंस बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो वो है 4 का, लेकिन सेकेंड डिजिट क्या है, 5, तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ पे सेकेंड डिजिट कितनी है, 3, तो यहाँ पे है क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए आप तो डिफरेंस कितना है, 3 का, सेकंड डिजिट भी है 3, लेकिन बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है, तो इसमें भी नहीं है। तो कोई भी ऐसा हमको नंबर नहीं मिला जहाँ पे ये जो कंडीशन कही जा रही हो पूरी हो रही हो, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पांचवा, नन। इसका आंसर क्या होगा, नन, कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जहाँ पे दी गई जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही हो। तो ये था इसका चौथा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो पूरे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के, न्यूमेरिकल सीरीज के सारे समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न और दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दूर करने का प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट और लाइक करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। वीडियो अगर पसंद आया है और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी भी अच्छे से होती रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।